तो अगर दुश्मन लोगों को समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, नहीं तो बुरा करोगे तो बुरा ही पाओ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक स्टोरी बताने जा रही हूँ जो कि बहुत ही अच्छी है, एंड जो समझ सकता है उसके लिए अच्छी है, जो नहीं समझ सकता उसकी तो बात ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप ये मनी प्लांट देख रहे हो, ये मनी प्लांट पता है, इसको हो गए हैं 5 या 6 मंथ हो गए, हम लेके आए थे। पता है क्या, ये मनी प्लांट मतलब कि कल मैंने देखा, ये पूरा आप देख रहे होगे, ये ब्लैक ब्लैक इसकी पत्तियां हल्की हल्की हो गई हैं, थोड़ा थोड़ा आप लोगों को दिख रहा होगा। तो पता है क्या हुआ, ये एकदम से मुरझा गई थी, इसमें पानी इतना मैंने डाल रखा है, पानी भी इसका कम हो गया, तो पूरा मुरझा गई थी, आई मीन सूख रही थी। तो पता है आप लोगों को, मैंने इसको मतलब इस बॉटल से निकाला और क्या किया, मैंने इसमें पानी डाला, इसको साफ किया, इसमें पानी डाला और इसकी पत्तियां जो इसको छोटे छोटे इसको मैंने धुला, सारी पत्तियों को धुला। उसके जब इसको मैंने साफ कर दिया, इसमें पानी डाल दिया, पानी डालने के बाद मैंने इसको मतलब रख दिया इस जगह पे। तो इसका मतलब लुक देखिए कितना चेंज हो गया, आप लोग देख रहे हो, मतलब इतना प्यारा, मतलब इतना रौनक आ गया इस पे कि बता नहीं सकते। तो ऐसे इंसान है, हाँ, जैसे पेड़ पौधे वैसे इंसान भी है, कि अगर इंसान को खुशियाँ मिलती हैं, हर हर खुशी मिले और इंसान को प्यार मिले तो इंसान कितना खुश रहता है। अगर उसी इंसान को कुछ ना प्यार मिले ना खुशी मिले तो उसके ऊपर क्या बीतती है, बहुत अजीब होता है। तो ऐसे लोग देखते हैं ना, कोई खुश रहता है तो कोई मतलब बहुत ज़्यादा खुश है, तो इंसान कैसे सोचते हैं कि इसको मैं कैसे क्या कर डालूं कि ये मतलब कि दुखी में रहे। तो इंसान पता नहीं क्यों ऐसे करते हैं, जैसे हर आप लोग पेड़ को, पौधों को, सभी को मतलब सोचते हैं हमेशा अच्छे रहे, अच्छा रहे, हरा भरा दिखे, वैसे एक दूसरे मतलब एक दूसरे के बारे में भी सोचो, वो भी खुश रहे, हम भी खुश रहे। लेकिन आज के ज़माने में लोग ना ऐसा सोचते नहीं है, आज के ज़माने लोग सोचते हैं कि वो आगे बढ़ रहा है तो वो कुछ ऐसा हो रहा है तो मैं उसके साथ इतना बुरा कर दूँ कि वो वहीं पर रुक जाए, आगे ही ना बढ़े। तो प्लीज़ आप आगे बढ़ो, दूसरों को भी आगे बढ़ाओ, सभी की हेल्प करो। तो फ्रेंड्स, ये सारी बातें जो मैंने अभी बोली है, ये सिर्फ और सिर्फ जो हमारे दुश्मन हैं उनके लिए है कि खुश रहो, दूसरों को भी खुश रहने दो, इस तरह से किसी के साथ मत करो, ठीक है? तो अगर दुश्मन लोगों को समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, नहीं तो बुरा करोगे तो बुरा ही पाओगे, अच्छा करोगे तो अच्छा ही पाओगे। तो फ्रेंड्स, बस यही एक दिल में जो बात थी, हमने बताना चाहा, आप लोगों से शेयर करना चाहा, अगर हमारे दुश्मन को भी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो सब वाहेगुरु देख रहे हैं, फिर वही उनका फैसला करेंगे, फिर तो हम तो कुछ कह नहीं सकते, हम तो सिर्फ बोल के समझा ही सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।